तो किसान भाइयों जी, जो हमारे भैया जी हैं, इनके पास में ये बी 275 DI MKM DLX मॉडल यजदी बाइक आप देख रहे हैं, एक यामा RX 100 है जी, RX 135, हाँ, 2002 मॉडल, मेरठ नंबर। इनके पास में रॉयल इनफील्ड बुलेट भी है, 350, हाँ जी, इलेक्ट्रिक मॉडल। ये ना ना, बिल्कुल आप शौकीन आदमी जी, चीज़ आपकी बढ़िया है। जो यू प्योर पाकिस्तानी सिंधी, प्योर पाकिस्तानी सिंधी नस्ल, किसान भाइयों नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो पर। मैं मोहित कुमार, आपका दोस्त। आज की वीडियो में मैं मिलवाने वाला हूं आपको, जो हमारे एक सक्षम किसान है, हसनपुर गांव में पहुंचा हूं मैं, इनका परिचय करवाएंगे और बाकी जानकारी वीडियो में देंगे। तो थोड़े से आगे हो जाओ जी, एक मिनट। किसान भाइयों से बताता, भैया जी के पास में ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं, खुद ही इन्होंने मॉडिफाई करा है। इसमें यूं नहीं है कि जी कहीं से करवा के लाए हैं, एक एक चीज़, एक एक तकनीकी जो है इन्होंने खुद ही अपने दिमाग से इस्तेमाल करी है। इनके हम खेत पे पहुंच गए, इनके पास में दो तीन नई वेराइटी है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो लो जी, संभालियो, आ जाओ जी पास, संभालो। किसान भाइयों को जो हमारे दर्शक भाई हैं, उन्हें आप अपना परिचय दें जी, थोड़े पास मजाओ, आवाज़ कम आ गई। नमस्कार जी, नाम अरुण कुमार, ग्राम हसनपुर कला, गढ़ रोड मेरठ। वैसे एक्समैन हूँ, फौजी हूँ मैं, ठीक है। आने के बाद में 5 साल हो गए भैया जी ने, जो हमारे देश की सेना है उसमें 16.5 साल अपना सहयोग दिया है, और अब अपनी खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। तो हम मिलने चला है इनसे, कुछ जानकारी मिला है, जैसे बड़े भाई हैं। तो एक तो पहला आप ट्रैक्टर के बारे में बतावें जी, आपने 275 का मन बनाया, 275 ही आपने क्यों चुना, और भी ट्रैक्टर? मैंने ट्रैक्टर करीब करीब महिंद्रा के सारे चला लिए, महिंद्रा के भी, अदर भी, मेसी, स्वराज, एस्कोट, HMT जी, ठीक है, फोर्ड, और तुम्हारे करीब करीब मेरे कोई ट्रैक्टर बचा नहीं जो ना चलाया हो पुराना। भैया जी जो है ट्रैक्टर का भी शौक रखे हैं, इनके पास में यजदी बाइक भी है, एंटीक मॉडल है, एक घोड़ी का बच्चा है, बहुत बढ़िया। मेरे को एक चीज अच्छी लगी जी, किसान आदमी क्या करता है, 265 ही पकड़ता है। हाँ, जब हमें 265 के फैन है लोग, जब हमें 2048 CC में 39 HP ट्रैक्टर मिल रहा है, पावर ज्यादा मिल रही है, पावर ज्यादा मिल रही है, और 2048 CC में ही हमें 28 HP पहले जो आता था, 28 HP, तो हमें 10-11 HP फालतू मिल रही है, तो हम 39 HP क्यों ना ले। सही बात है, जबकि SFC जो है इसकी 238 ग्राम प्रति किलोवाट है, और 265 की जो आवारे हैं उनकी 252 ग्राम है। अच्छा, तो इसका तेल का खर्चा उससे कहीं कम है जी जी। इसकी स्पीड भी रोड की, गूगल पे भी जब हम सर्च करेंगे कि सबसे अच्छा माइलेज देने वाला कौन सा ट्रैक्टर है, तो महिंद्रा भी 275 DI आगे निकल के, क्योंकि हाई स्पीड इंजन है और हाई स्पीड गियरबॉक्स है। इसकी जो खासियत है, इसकी जो रोड की स्पीड है, वो रोड की स्पीड 31.17 किलोमीटर। अच्छा, 31.17 किलोमीटर की जो स्पीड है, करीब करीब जो 595 टर्बो होता है इसे वही टक्कर देता, बाकी अर्जुन का कोई ट्रैक्टर से टक्कर नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा, अर्जुन का कोई सा भी मॉडल, और महिंद्रा 575-85 कोई सा भी इसे टक्कर नहीं देता, क्योंकि उनकी सबकी स्पीड 30 की, किसी की 29 की, किसी की 28 की। ये ट्रैक्टर जो है 10 मॉडल के बाद में जो MKM, ये MKM आए हैं, तो जो आपने चुना है डबल टॉप पे में, होल ब्रेक में, ये MKM मॉडल है, और MKM तो है ही है, इसमें जो है MDI इंजन आया मोटी क्रैंक में, जो उन्होंने जो पावर बढ़ाई है वो क्रैंक से बढ़ाई है। अच्छा, क्रैंक मोटी कर दी है, उसका जो टॉर्क है, वो जो बैंड है वो थोड़ा ज्यादा कर दिया। सही बात आपकी, क्रैंक जो है इंजन की एक जान होती है, वो पूरे सिस्टम को चलाती है, अगर क्रैंक मजबूत है तो फिर पूरे सिस्टम को अच्छा चलाएगी, वो दबनेगा नहीं ट्रैक्टर। मैं जैसा किसान भाइयों ने पहले देखा कि पहले क्रैंक तोड़ देते थे, वो शिकायत नहीं है, वो शिकायत नहीं, क्रैंक मजबूत कर दी, पूरे सिस्टम को चलाती है। ये लेटेस्ट मॉडल है, इसमें क्या करा किसानों ने, इसमें जो कंपनी ने क्या करा, कंपनी पहले इंटर दिया था जी, हार्वेस्टर के नाम से जो 276 वगैरह आए थे, ये इंटर आए थे, इंटर ने 7 दे, उसके बाद में इन्होंने क्या करा, 90-92-75 दिया, ये दिया 90-91 में इन्होंने क्या कर दिया, DI दे दिया, लेकिन DI करने के बाद में पंप तो कर दिया DI, क्रैंक वही रहेंगी इंटर वाली, पिस्टन भी DI कर दिए, तो उससे कहीं ना कहीं क्रैंक कमजोर रहेगी। उसमें जो लिफ्ट की कैपेसिटी थी वो भी कम, वो भी कम है, उसकी लिफ्ट की कैपेसिटी करीब 1000 kg के समथिंग पड़ती है, इसकी पड़ती है 1300 kg की। तो आपने इस पर रूटावेटर भी 1200-1300 kg, इस पर रूटर भी चलाया, 7 फुटा रूटावेटर, 7 फुटा रूटर सारे चला लिए मैंने, परम का भी चला लिया मैंने, जो है अंबिका का भी चला लिया, और मैंने मैस्को का भी चला लिया, ठीक है जी। लिफ्ट डाउन करके मैं वीडियो दिखा सकता हूँ।
डाउन करके एक वीडियो जो है लाइव प्रूफ दिखाएंगे आपको आगे जो आने वाली वीडियो। हाँ। फिलहाल तो आपको ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, इनका परिचय करवा रहे हैं, और जो आपने जैसे नई नई वैरायटी गन्ने की लगा रखी है। आप सुनो सुनो, पहले किसान भाइयों को दिखा दो जिन्होंने मॉडिफिकेशन में। देखो इसमें मॉडिफिकेशन में कुछ नहीं, ट्रैक्टर पूरा सिंपल है, ट्रैक्टर जैसा कंपनी से आई है। DLX मॉडल है जी, जो DLX से टॉप मॉडल आता है। इसमें क्या क्या कराया कंपनी ने, एक तो पहले बात तो ये एम कैम कर दिया जी। सबसे सबसे पहले तो एम कैम कर दिया। इसमें आते 14 मॉडल में कोई चाबी नहीं लगी। इसमें ये भी मैंने वाटर सेपरेटर भी मैंने खुद लगाया, ठीक है जी। इसमें फिर इन्होंने क्या करा है, ये PCM गियर बॉक्स दे दिया डबल टप्पे का, पार्सल कॉन्स्टेंट में, ठीक है जी। जो आज टेक्नोलॉजी चल रही है, जो महिंद्रा में घर वो आवाज नहीं है। इसमें सिर्फ पहला गियर और बैक गियर, ये तो स्लाइड मैक्स है, बाकी ये दूसरा तीसरा चौथा ये PCM गियर बॉक्स है, ठीक है। और इसमें डबल, ये डबल टप्पा तो होगा, डबल टप्पा है। किसान भाइयों को दिखाते हैं, एक और एक ऊपर दो डबल टप्पा है। और इसमें ये जो है ये 575 वाला, इसका पूरा पिछला हिस्सा डबल बड़ी पछाड़ी में। अच्छा, बड़ी पिछाड़ी है। बड़ी पिछाड़ी, बड़ी पिछाड़ी का फायदा बताओ जी किसान। इसका बड़ी पिछाड़ी का फायदा ये हुआ है, बड़ी पिछाड़ी अगर होगी ट्रैक्टर गर्म होगा, घिसाव कम होगा, ठीक है। कोई भी कहीं जोर लगाने हो ज्यादा लगा होगा, लाइफ भी ज्यादा होगी, झटका पटका किसी का ट्रोली कार कैसा भी झटका उसे झेल लेगा। जो यू सिस्टम है आपने, यू कहां कैसे कैसे तैयार करा? ये सिस्टम जो लगाया मैंने, ये इस वजह से लगाया, बड़ी दिक्कत होती थी शाम, आप गर्मियों में क्या होता है खासकर शाम के टाइम अगर घर जा रहे हैं कुछ आंख में भुन के और मक्खी सक्खी चश्मे लगा नहीं जा सकते ट्रैक्टर में, तो ज्यादातर दिक्कत आती थी। अब ये मैंने सोचा यार ये ठीक रहेगा जुगाड़, इसमें दोनों चीज शीशे लोग यहाँ पे शीशे चल नहीं पाते, यहाँ शीशे चल नहीं पाता। फिर मैंने इसके लिए दो शीशे, एक इधर एक उधर, जो कि ताकि बैठा श्याम आदमी सामने से बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ ऐसे बैठा हुआ आदमी आराम से बिल्कुल एकदम फिक्स देख सकता है। किसान भाई बात में ध्यान देना, जो भैया जागरूक कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए फायदे की बात है, हम भी इनके पास में इसलिए आए हैं कि किसान भाइयों कुछ जानकारी मिले। और जी इसमें एक खासियत ट्रैक्टर में और दी है, लोग बाग अंदर लाइट का पसंद नहीं करते, बाहर लाइट का पसंद करते हैं जी जी जी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता बाहर लाइट के पसंद होने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है जी। क्या जी? बाहर लाइट के ट्रैक्टर जो सो आई है उसमें जो ये टंकी आई है प्लान आई है। हाँ। है वो भी भूमि पुत्र है, ये भी भूमि जी जी जी, ठीक है। इसमें क्या है, स्प्लेंडर की तरह जैसे स्प्लेंडर में डबल लॉक आया, ये लॉक खोल दिया, ठीक है। ये ढक्कन निकाला, दूसरा लॉक, ये ढक्कन निकाला, इसमें भी ये आता, इस ढक्कन निकाला, इसमें लोग नहीं आता, लोग इसमें आता, ढक्कन निकाला तेल डाल दिया। अब ट्रैक्टर क्या होता, कभी कभी किसान आदमी के पास जगह नहीं हो पाती जैसे, तो ट्रैक्टर बाहर खड़ा है, अगर ये सिंगल लॉक होगा तो सिंगल में पानी आ जाता है, पानी आ जाता है। महिंद्रा वेंद्रा का और जितने ये भूमिपुत्र बाहर लाइट वाले, इनमें क्या पानी भर जाता है टंकी में, इस चीज की हमें जांच नहीं पड़ पाती। और जब पानी टंकी में जाएगा तो वाटर सेपरेटर ना होने के बाद किसी के पास नहीं है तो पंप में जाएगा, पंप से दिक्कत पड़ेगी, पंप की दिक्कत पड़ेगी। ये ट्रैक्टर 14 मॉडल आज तक कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पंप आज तक बिल्कुल शील्ड है, आप देख सकते हैं। पंप मैंने देख लिया, चाबी नहीं लगी, नोजल पंप बताते हैं। और भी कई चीज है, और सबसे मेन चीज, और एक चीज और बताऊं, इसका जो ये स्टीयरिंग दिया है जी, ये थोड़ा सा खड़ा दिया है। हाँ, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। पहले वाले जो स्टीयरिंग थे वो ये थे। हाँ। उसमें पेड़ यहाँ आ रहा है, गियर लगाने तो नुकर का लगाने पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। पुराने ओल्ड मॉडल में जो सादे मॉडल, इसमें आदमी आराम से कैसे भी गियर लगाओ, जिधर कुछ आंख नीच कर कहीं उतार कर, बिल्कुल आपकी कायदे की बात। हाँ। है आपने जो म्यूजिक सिस्टम लगवाया, पीछे जो सीट लगवाई, स्पेस इसमें इतना है, दो इधर बैठ सकते, दो इधर बैठ सकते, बाकी पीछे बैठ सकते, पीछे बैठ दो, तो इसमें जगह बहुत है, जगह बहुत है। और एक चीज और कर रखी है मैंने, इसकी जो हाइड्रोली है, कोई बोलता है ना 41 की मैसी की हाइड्रोली बहुत अच्छी है, मैं इसकी हाइड्रोली का, इसका इसके हाइड्रोली का जोड़ नहीं मानता, ठीक। लेकिन किसानों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक कहां सेटिंग है, डीसी लीवर क्या है, पीसी लीवर क्या है। लोगों को पता है नहीं डीसी क्या, पीसी क्या। जो इसमें दो लीवर हैं, जो दो लीवर हैं, एक तो मैन होगा उठाना गिरने वाला, उठाना गिरने वाला, एक होगा एडजस्टिंग वाला, बस एडजस्टिंग। ये डीसी जो है, इसको ड्राफ्ट कंट्रोल जो है, यू बार-बार नहीं उठाना आपको, ठीक। जो उठाना है ये पीसी लीवर उठाना है जी जी जी, पीसी से कंट्रोल करना जितना भी करना है। लेकिन इसकी अगर एक बार सेटिंग कर दो पीछे से करके, अगर खेत में किसान लाया गया चाबी पानल है, चाबी लाएगा इसके नंबर की, अगर 10 मिनट में ट्रैक्टर को ऐसा सेट कर दूंगा कि छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा बैठा, अच्छी सेंसिंग करेगा, फिर दिक्कत नहीं आने की। टीलर को जहां एक बार नीचे गिर दिया, ये मैंने इसकी सेटिंग ये कर रखी है, पूरा ट्रैक्टर हाइड्रोलिक पूरी नीचे कर गया, और ये मैंने इस पर 2 नंबर पर कर रखी है सेट, ये हाइड्रोलिक ये पूरी नीचे कर गया। और आप ज्यादा कोश और ज्यादा नीचे लेना चाहते, खुद सूखा खेत है जैसे थोड़ा बहुत नहीं हो पाता, तो ये डीसी को भी नीचे कर दो आप पूरा, तो आप खुला चलेगा, खुला छोड़ के
और आप दो पर रखोगे और ये पूरा नीचे रहेगा तो फिर कहीं भी खत्म हो जाए आपको हाइड्रोलिक ठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंस का टीलर चला लो, चाहे जोन सा जी करे, खतौली का चला लो, कहीं हापुड़ का चला लो, जोन सा जी करे वो टीलर चला लो। अब बात करेंगे इसके खर्चे की, जैसा आपने अदर अदर एप्लीमेंट पे चलाया इसका माइलेज खर्चे क्या जी निकल। देखो जी रूटर पे खर्चा आता है 4 से 5 लीटर। लोग बाग जो किसान बाग झूठ बोलते हैं कि भाई हमारा 3 लीटर लेता है 4 लीटर लेता है, अगर जुताई करोगे तो 4 से 5 लीटर लोड पड़ेगा। तो लोड पे कोई भी ट्रैक्टर कम नहीं देगा, इससे कम देगा नहीं। और ट्रैक्टर क्या है लोगों को पता नहीं हो, तो हर आदमी क्या बोलता है कि भाई मैसी का ट्रैक्टर है, मैसी पे रूप चला दो 1500 RPM पे। भाई एक लो RPM इंजन एक हाई RPM इंजन दोनों बराबर पावर कैसे दे सकते हैं? कंपनी के अलग अलग RPM है, अलग अलग राउंड। ये 2100 RPM पे दिया है, ये 2100 RPM पे पूरी 39 HP जनरेट करता है। जब 2100 पे 39 देगा और हम चलाएंगे इसे 1500 पे तो मैं 30 HP निकालेगा। सही बात, 30 HP में रूटर कैसे खींचेगा? ये कॉमन सेंस की सोचने वाली बात है। सही बात है, कोई तो कम से कम 1800 से 2000 RPM पर रूटर पर चलना चाहिए ट्रैक्टर। और रोड का खर्चा इस ट्रैक्टर से अच्छा कोई से का नहीं है, 12 का एवरेज देता है। जो कोई कहता हो 11-12 का एवरेज रोड पर खाली, 1 लीटर में 12 हाईवे पे 11-12 का एवरेज खाली पे देता है अगर किसी का सही कंडीशन का ट्रैक्टर है। अब पता है पंप ही खराब है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये स्पीड में हर ट्रैक्टर को मार ले। सही सही, क्योंकि इसका अब मैंने रेस कम करी हुई है। ये लड़का हमारा जो है रेस बिल्कुल कम कर रखी है आपने, चूड़ी तार रखी है इसकी। ये लड़का को बुलाओ, देखो छोटा ये लड़का आया, ये लड़का हमारा ज्यादा भगाता है। अच्छा तो मैंने इसकी जो है इसकी RPM पूरे कम कर दी। एक मिनट को, ये इनका भैया का नाम क्या है? अजय खटाना। अजय खटाना, आपने ट्रैक्टर वैसे कितना खूब भगा रखा? हां जी, ये ट्रैक्टर को ज्यादा भगाता है इसलिए थोड़ा बच्चा भी इसमें। आपने रेस डाउन कर दी इसकी? मैंने रेस वहां से भी डाउन कर दी, मैंने यहां से सेटिंग पे से भी डाउन कर रखी है। अच्छा अच्छा, यानी ये जहां से जीरो से स्टार्ट करता था जीरो पे ही मिला देता था पूरा 3500 RPM पे ट्रैक्टर ये घूम जाता था। और 3500 RPM पे 60+ जाता था, 60 से नीचे नहीं आता था। अब मैंने इसका पूरा 2500 पे फिट है, ज्यादा 2500 ज्यादा भगाना सही नहीं है। सही कह रहे हो, बच्चों के हिसाब से ये हाई स्पीड ट्रैक्टर है। और किसानों को यही कहना चाहूंगा जी 275 अच्छा, महिंद्रा के ट्रैक्टर अच्छे हैं कम खर्चे के, कहीं महिंद्रा के टिकाऊ है जी ट्रैक्टर, टिकाऊ मॉडल है। मैं किसान भाइयों से एक बात बताऊं, मैं अरुण फौजी हूं और मैं हसनपुर का ही रहने वाला हूं और यही मेरा जन्म बीता और यही फौज से आने के बाद मैं यही हूँ। नहीं किसान भाई आके संतुष्टि करना चाहो तो एक बार आ जाओ, मिल सकता है। जोन सा ट्रैक्टर पर संतुष्टि करवाना चाहो उस पर कर भी सकता हूँ। और खासकर महिंद्रा पे जोन सा एम्प्लीमेंट को कहो ये नहीं चल रहा, मैं उसे चला सकता हूँ। क्योंकि जो महिंद्रा के बारे में कोई से ट्रैक्टर के बारे में मुझसे बारीक से बारीक जो पूछना पूछ सकता है। सही सही बात है, सही जानकारी। कोई से भी ऑलराउंडर, एक तो ये महिंद्रा ही नहीं, कोई सा भी ऑलराउंडर ट्रैक्टर। महिंद्रा के ट्रैक्टर जो है मजबूत भी है प्लस कोस्ट में है, मैसी के ट्रैक्टर महंगे हैं। इसका बोर स्टॉक छोटा है, हाई RPM तो होना ही होना है। जिस ट्रैक्टर का स्टॉक और बोर छोटा होगा जी वो हाई RPM होगा, और जिसका बोर बड़ा होगा स्टॉक बड़ा होगा, जैसे स्वराज है सोनालिका है, तो इनके जो स्टॉक 120 से ऊपर भी आ रहे हैं। हाँ। बहुत से ट्रैक्टर है जिनके 100 जैसे आयसर है, एक सिलेंडर 242 NC 147 का बोर स्टॉक है, तो 147 लंबाई पिस्टन के होने के बाद में चक्कर ऑटोमेटिक 1500-1600 देगा। किसान भाइयों से बता दे, देखो सबके अपनी अपनी पसंद है। मैसी का ट्रैक्टर जो किसान भाई चला रहे हैं उनका हाथ बैठ रहा है, लिफ्ट सेंसिंग उनकी अच्छी है, वह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन महिंद्रा ट्रैक्टर जो है ये रोड पे भी और खेत में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है। अब बात करेंगे भैया के पास में नई नई वैरायटी कौन सी है, आइयो जी बताइयो जरा। जो पौधा पहले इसे दिखाऊंगा किसान भाइयों को, देखो तो एडवांटा बीज है, ये एडवांटा है जी, ये एडवांटा है। दो पशु रखता हूँ उसके लिए, एडवांटा ही बोलता हूँ जी। बस इसमें नीलगाय को नुकसान नहीं है। एडवांटा जो भी ये है, जो नीलगाय है एडवांटा, जो ये बाजरा है, बाजरा इसमें ज्वार भी आती है। हाँ इसमें ज्वार भी आती है, बाकी ज्वार नहीं, मैं बाजरा ही बोलता हूँ। एडवांटा का जो बाजरा है अभी आप यू समझो कि जैसे शुरुआत ही समझो इसकी, अभी शुरुआत है, काफी बढ़ जाता है ये 12 से 14 फुट। 12-14 फुट और जैसे आपके पास में गन्ने की वैरायटी जो है 86032 है, ये इथोपिया की वैरायटी है। अच्छा, फिलहाल ये महाराष्ट्र में ज्यादा है, ये आई है इथोपिया से, तो इसको कोई तोड़ नहीं है। तो सबसे गन्ने की लंबाई कितनी है, गन्ने का वजन कितना समझे? गन्ने की जो लंबाई है नॉर्मल से नॉर्मल 13-14 फुट तो नॉर्मल किसान के पास हो जाती है। और कैसी मिट्टी में बोलो, हमारे पास पिछले साल इसमें पेडी थी थोड़ी सी 110 गट्ठे में और 110 ही क्विंटल गन्ना निकला उसमें। अच्छा, तोल का कोई कहने को कितना कह जाओ? हाईएस्ट 100 क्विंटल बिकेगा निकला 5-20 के हिसाब से। 70-80 का गट्ठा है लेकिन 5-20 के हिसाब से पूरा 100 क्विंटल के हिसाब से निकला है। ठीक है जी, ये भी 86032 हुआ है इसमें। अगर हम दूरी की बात करें किसान भाइयों, ये 2829 इंच की दूरी है। हाँ। बीच में आपने 28 से 30 फुट ये छोड़ रखा है, एक जी जगह छोड़ रखी है, ये छोड़ रखी है 4 फुट के, 4 फुट ज्यादा ना हो और गैप मिले। गैप मिलने के बाद में इसमें जो आदमी यूरिया खाद पात अपने स्प्रे कैसे करो, बंधाई में आसान, 2 खूड़ एक साथ बांधो, फिर 2 एक बांधो, फिर ज्यादा करो 4 को एक साथ। जी 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 जी। और इसमें आप बल्ली बांध सकते हो,
जो आपको दिक्कत हो तो इसमें आप बल्ली बीच में यहाँ ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ से वहाँ तक गिरो और दो खूट इधर के दो इधर का फिर बीच में ऐसा बांध ना, बिल्कुल तो गिरने के नहीं। यू आपके पास में कितना समय होगा इस वैरायटी को? इस वैरायटी को मेरे पास दूसरी साल है, दूसरी साल। हाँ, ये भी लेटेस्ट जल्दी आई हुई है, ज्यादा पुरानी नहीं। पहली साल बढ़िया रिजल्ट आया, पहली साल 100 क्विंटल का रिजल्ट आया जिसका। अगर किसान भाई बीज की बात करें, मैं आपको गन्ना भी दिखाऊंगा, भैया का नंबर दूंगा, संपर्क कर लें। इनके पास में घोड़ी है, बहुत बढ़िया घोड़ी का बच्चा लेकर आए हैं। एक यशदी बाइक है, एंटीक मॉडल भी पसंद करते हैं भैया का, जो इंटरेस्टेड है, जो आप यूँ समझो कि जैसे ये ट्रैक्टर को तो पसंद करते हैं लेकिन इनके पास में और भी कई ऐसी चीज़ हैं जो बढ़िया देखने वाली हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट में बताऊँ, और कुछ और जानकारी जो आप किसान भाइयों को देना चाहो? चलो जानकारी फिर देंगे हम, फिलहाल तो हम अभी थोड़ा सा काम में व्यस्त है। हाँ, थोड़ा भाई यूँ है कि खेत पाए थे, स्प्रे का काम चल रहा है, थोड़ा अभी स्प्रे मारिए इसमें, इसमें जो है नहीं लगाएगा ज्यादा, वो है थोड़ा सा पौधा बहुत नरम रहता है इसलिए। ट्रैक्टर जैसा आप चला रहे हो, आपके पास में कितने क्या साल हो गए? मेरे पास 275 रखते हुए मुझे करीब करीब 10 साल से ऊपर हो लिए, 10 साल हो लिए। और उससे पहले बीच बीच में मैसी भी लाया हूँ। मैसी ट्रैक्टर अच्छा है, मैसी ट्रैक्टर में ब्रेक अच्छे नहीं है, ब्रेकिंग। और दूसरी चीज जो है, सबसे ब्रेक तो अच्छे है ही नहीं, अब ऑयल ब्रेक आ लेके चलो, नए मॉडल में दिए, पुराने में वो भी नहीं है। सबसे बड़ी मेंटेनेंस की क्या है, जो इंजन रिपेयर कराते महिंद्रा का कॉस्ट ज्यादा है। महिंद्रा का अगर 15,000 में, हमारा इसका 275 का एक नंबर में 15,000 का हो जाएगा, लेकिन अगर मैसी कराऊंगा तो 30,000 से 40,000 रुपये खर्चा लगेगा। उतने टाइम में दो बार रिपेयरिंग हो जाएगा उतने पैसों में जितना एक बार में होगा। और प्लस दूसरी बात, गेयर बक्से का मैसी कमजोर है। हाँ। जो पेनल्टी प्लस आवाए है ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी वो अच्छी है, लेकिन यहाँ के मेरठ का किसानों से पसंद नहीं कर रहा, कॉस्ट में भी ज्यादा, वो है कॉस्ट में ज्यादा है। वो क्या है, भेड़ू चाल चल रहा है, वो बोला ठीक है सादा स्लाइड मैक्स गियर बॉक्स ही पसंद करा, जबकि उसे असली ये नहीं पता गियर बॉक्स होते कितने प्रकार के। हाँ सही कह रहे हो जी, बहुत किसान भाई बेचारे सिंपल है, उन्हें जानकारी नहीं। अब जो टोनर आया मैसी का उसे पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि साइड गियर का सबसे बेस्ट है, या मैसी का 72-50 है, मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट ट्रैक्टर मैसी का। 72-50 बढ़िया जानदार जानदार चीज है, पिछले से पीछे से मजबूत, आगे से मजबूत, ये है जी जानदार ट्रैक्टर। दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो पे, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो। धन्यवाद।